हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त क्या था? 1793 में कंपनी ने राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी। उसके बाद क्या क्या? किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को एक स्थायी राजस्व देने का जिम्मा उन जमींदारों को सौंप दिया। और ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं बताइए। कंपनी ने जो ये स्थायी बंदोबस्त बनाया था, इसमें क्या क्या समस्याएं आई? तो इसमें काफी समस्याएं आई। उसमें पहली थी कि कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह बहुत अधिक था, काफी अधिक राजस्व लगा दिया था। दूसरा क्या था, जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, कंपनी उसकी जमींदारी छीन लेती थी। तीसरा क्या था, कंपनी में स्थायी बंदोबस्त लगाया था ताकि जमींदार जमीन को बेहतर बनाने में काम करेंगे, परंतु जमींदारों को जमीन की को बेहतर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई उनकी परवाह नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कंपनी की जो उम्मीद थी वो उस पर तो पानी फिर गया। चौथी समस्या थी वो क्या थी कि किसानों को जो लगान लगाया गया था किसानों पर वह बहुत अधिक था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था, और यदि वो लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। इसलिए जो किसान थे वो महाजन से कर्ज भी ले लेते थे ताकि वो लगान चुका सके, और फिर कभी खत्म ना होने वाले कर्ज के चक्कर में फंसते जा रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी इस बंदोबस्त के चलते। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त महलवारी बंदोबस्त से अलग कैसे था? दोनों अलग अलग बंदोबस्त थे, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था कि ये एक स्थायी राजस्व था, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था। एक बार जो राजस्व तय कर दिया गया था वो हमेशा के लिए तय हो गया था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उसमें कोई संशोधन किया जा सके। और दूसरा इसका नियम क्या था कि जो राजस्व था वो कंपनी को राजस्व सौंपने का जो जिम्मा था वो जमींदारों को दिया गया था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। जबकि जो महलवारी बंदोबस्त था उसके अंदर क्या हुआ कि खेतों का अनुमान लगाया गया और उन्हें चेक करने के बाद उनका राजस्व तय किया गया। ठीक है, और महलवारी बंदोबस्त में यह प्रावधान रखा गया कि उसमें राजस्व में संशोधन किया जा सके। जैसे स्थायी बंदोबस्त में तो संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु महलवारी बंदोबस्त में ये प्रावधान रखा गया कि उसमें संशोधन किया जा सके। और दूसरा डिफरेंस क्या था कि इसमें राजस्व देने का जो जिम्मा था, कंपनी को जो राजस्व देने का जिम्मा था वो जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को देना होता था राजस्व कंपनी को, जबकि महलवारी बंदोबस्त में गांव का मुखिया राजस्व इकट्ठा करता और कंपनी को देता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महल किसे कहा जाता था? महल किसे कहा जाता था? एक बड़े गांव को या छोटे छोटे गांव के समूह को, गांव का समूह मिलाकर एक बहुत बड़ा गांव बन जाता था तो उसको महल कहा जाता था। कंपनी ने उन गांव के समूह को एक नाम दे दिया, महल। ठीक है, और वहां से कंपनी को क्या मिलता था? राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रैयत किसे कहा जाता था? रैयत क्या था? पीढ़ियों से जिस जमीन पे खेती करने वाले जो किसान थे उन किसानों को रैयत कहा जाता था, और रैयत वाली जो व्यवस्था थी उसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? जो रैयत किसान थे वो नील
की खेती करना नहीं चाहते थे अपने खेतों में, क्यों, ऐसा क्यों था कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे? तो उसके क्या-क्या कारण थे? पहला कारण था, नील की खेती करने के लिए रैत को कर्ज लेना पड़ता था, बागान के मालिक उन्हें कर्ज दे देते थे, हालांकि वो सस्ती दरों पे कर्ज देते थे, लेकिन उनका था क्या कि वो सस्ती दरों पे कर्ज देकर उनसे नील जो खरीदते थे वो भी सस्ते दामों में खरीदते थे, जिसकी वजह से जो रैत थे वो कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था कि बागान मालिक चाहते थे कि जो रैत हैं वो अपनी उपजाऊ जमीन के ऊपर नील की खेती करें, जबकि ऐसा करने से क्या होता था कि जमीन की जो उपजाऊ शक्ति थी वो खत्म हो जाती थी और उसके ऊपर फिर धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जो नील के पौधे होते थे उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और जमीन की जितनी भी उपजाऊ शक्ति होती थी उसको सोख लेती थी, तो उसकी वजह से फिर उसके ऊपर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो जो रैत किसान थे वो उसके बाद, मतलब एक बार उन्होंने नील की खेती कर ली अपने खेत में, तो उसके बाद वो धान की खेती करने के लायक नहीं रहते थे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। मुनरो व्यवस्था आई थी, लॉर्ड मुनरो ने व्यवस्था शुरू करी थी, उसकी दो समस्याएं बतानी है। क्या क्या समस्या थी? पहली समस्या थी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए कंपनी ने क्या किया, किसानों के ऊपर अत्यधिक राजस्व लगा दिया, जिसके कारण किसान कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंसे जा रहे थे, और बहुत से किसान इस चक्र में फंसने से बचने के लिए उन्होंने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया और गांव से पलायन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से गांव जो थे वो वीरान होते जा रहे थे। ठीक है, और दूसरी समस्या क्या आई इसमें, कंपनी के अफसरों को उम्मीद थी कि मुनरो व्यवस्था को लगाने के बाद किसान संपन्न हो जाएंगे और उद्यमशील बन जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने लगान बहुत ज्यादा लगा दिया, तो जो किसान थे वो संपन्न और उद्यमशील होने की बजाय परेशान होने लगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नील और बोर्ड में क्या अंतर था? यूरोपीय बाजारों में नील की, भारतीय नील की अधिक मांग क्यों थी? तो भारतीय बाजारों में नील की मांग इसलिए थी क्योंकि जो भारतीय नील था वह चमकदार नीला रंग देता था, जबकि जो वोड था वो बेजान और फीका रंग देता था। यही एक कारण था जिसकी वजह से यूरोप के बाजारों में भारतीय नील की बहुत ज्यादा मांग थी, बहुत ज्यादा डिमांड में था यूरोप के बाजारों में नील। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में नील का जो व्यापार था वो धराशाही हो गया? तो हुआ क्या कि 19वीं सदी में रैयतों ने बागान मालिकों के खिलाफ बगावत कर दी। सभी रैयतों ने यह तय किया कि वह नील की खेती नहीं करेंगे और बागान मालिकों द्वारा नियुक्त किए गए लठियालों से भी नहीं डरेंगे और उन्हें भगा देंगे, गांवों से भगा देंगे, गांवों में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, और इसमें जो था, इस बगावत में किसानों को जमींदारों का सहयोग प्राप्त हुआ, जमींदारों ने भी उनकी सहायता करी और अलग-अलग गांवों में इस बगावत की लहर को पहुंचाने में उनकी मदद करी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो सरकार थी, जो कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार जो थी वो डर गई, उसे लगा कि अगर ये बगावत बढ़ गई तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, तो इसकी वजह से उन्होंने एक आयोग की व्यवस्था करी, एक आयोग बैठाया कि ताकि इस बगावत की जांच की जाए कि बगावत क्यों हो रही है। ठीक है, और इस आयोग में बागान मालिकों को दोषी पाया गया, उसमें जो छानबीन की गई उसमें ये पाया गया कि बागान मालिक जबरदस्ती करके किसानों से नील की खेती करवाते हैं और नील की खेती करने के बाद किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो बागान मालिकों को दोषी पाया गया और किसानों को
माना गया, निर्दोष माना गया और उन्हें नील की खेती करने के जोर जबरदस्ती से मुक्त करा दिया गया कि भई ये कोई जरूरी नहीं है कि किसान नील की खेती करें। और यही एक कारण था जिसकी वजह से नील का जो उत्पादन था वो धराशाही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे निज खेती क्या होती है? निज खेती क्या थी और इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? तो निज खेती क्या थी, इसमें क्या था निज खेती में कि बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे यूरोप से, बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स आए, उन्होंने बागान खरीदे, जमीनें खरीदी, या फिर उन्होंने दूसरा क्या किया कि जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले ली, मतलब किराए पर ले ली। अब उन्हें उस जमीन पर काम करने के लिए मजदूरों की भी जरूरत होती थी, और क्योंकि वो बड़े पैमाने पर खेती करना चाहते थे तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। अब खेती करने के लिए मजदूरों के साथ साथ हल और बैल भी चाहिए होते थे उन्हें खेती करने के लिए। लेकिन परेशानी क्या थी कि जिस समय नील की खेती करने के लिए हल और बैलों की जरूरत पड़ती थी, उसी समय जो किसान थे, जो जिनके पास बैल होते थे और हल होते थे, वो धान की खेती में व्यस्त होते थे, क्योंकि उसी समय धान की खेती होती थी और उसी समय नील की खेती होती थी। तो जब नील की खेती के लिए बैल और हल चाहिए होता था, उसी समय धान की खेती के लिए हल और बैल चाहिए होते थे। तो जब रैयत किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते थे तो वो हल और बैल बागान मालिकों को नहीं दे सकते थे। अब बागान मालिक इस वजह से परेशान होते थे, उन्हें समय पर हल और बैल नहीं मिल पाते थे, और अगर वो हल और बैलों को खरीद लें तो उनको उनकी देखभाल करना, उनका रख रखाव करना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का काम था, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस वजह से बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए जो बागान मालिक थे, बाद में वो लोग भी इस खेती करने में कतराने लगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।